हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 25 अगस्त बुधवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आपके व्यापार व्यवसाय करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी साबित होंगे। मित्रों, आज के दिन आप लोगों को कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से ज्यादा सफलता, आप लोगों के मान सम्मान करती बढ़ोतरी हो सकेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों का लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है। मित्रों, आप लोगों के व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में जिस भी प्रकार की जो भी परेशानी चली आ रही हैं, आपके लव लाइफ में जिस भी प्रकार की जो भी परेशानी चली आ रही हैं, या फिर आप लोगों के दांपत्य जीवन में किसी भी प्रकार के खटास या जीवन साथी से आप लोगों का मनमुटाव हो रखा है, उन सभी से किस प्रकार आपको छुटकारा मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के दिन बुधवार का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेंगे, कौन से उपाय को करने से आप लोगों के सारे कष्ट, सारी के सारी परेशानी अवश्य दूर हो जाएंगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे, सारी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हैं ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार तरीके से गुजरने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में काफी ज्यादा लाभ की होंगे, आप लोगों के दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन होगा। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि तुला राशि के जो लोग इस समय कारोबारी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए आपको यह समय मध्यम रूप से फलदायक रहेंगे। आपको अपने माता पिता के सभी जिम्मेदारी पर खतरा उतरने की पूरी कोशिश करनी होंगे, जिनसे कि आप लोगों के यश में वृद्धि होंगे। आपको अपने क्रोध पर काबू रखने होंगे, यदि ऐसी स्थितियां हो तो आप लोगों की वाणी में शोभ्यता को बनाए रखने की जरूरत होगी, तभी वो आपका मान सम्मान भी दिलवाएंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज के दिन जीवन साथी से कोई उपहार भी खरीद सकते हैं, जिनसे कि आप लोगों के हर रिश्तों में मधुरता भरी रहेंगे। संध्या काल के समय आप अपने मित्रों के साथ देवस्थल की यात्राओं पर जा सकते हैं, देव दर्शन करने जा सकते हैं, जिनसे कि आप लोगों के मन को शांति और सुकून की प्राप्ति होंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप लोगों को सेहत के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होंगे, क्योंकि कुछ लोगों में से आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आप लोगों को सेहत के प्रति सचेत रहने की जरूरत होंगे, यदि उसमें लापरवाही करेंगे तो आप लोगों को कोई बड़ी मुसीबत तो पैदा हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आप लोगों के व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी आज आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप कोई नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका समय काफी अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करने का मौका भी मिलेंगे। आज यदि आपके भाई और बहनों से आपका कोई विवाद चल रहा है तो उन सभी विवादों को भी आप समाप्त तो कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, जिनसे कि आपका मन बल बढ़ेंगे। लेकिन आज के दिन आपको अनैतिक गतिविधियों से भी बचने का प्रयास करने होंगे। आपके सामाजिक गतिविधियों का ध्यान रखने होंगे। व्यापार में भी आपको सफलता मिलेंगे। आपको जिस भी किसी समस्याओं के लिए यदि अपने पिता से या किसी कोई सलाह मशवरा लेनी है तो आप लोगों को जरूर से लेनी होंगे, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए कारगर साबित होंगे। आपके परेशानी भी काफी हद तक कम होंगे। तो आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होंगे। आप तेजी से प्रगति करते हुए समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। विवाहितों को कोई नया मेहमान घर में आ सकता है। आप लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप लोगों के घर में अचानक से कोई लाभ मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय में दुगने मुनाफे की प्राप्ति होंगी। सुबह से ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य पूरे होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों आप लोगों को घर में विशेष बड़ी इज्जत मिल सकती है। आपकी सेहत में सुधार हो सकता है। आप अपने जीवन में कई बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। दोस्तों के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे। आपकी किस्मत पलटने वाली है। आप लोगों के जीवन में भगवान भोलेनाथ काफी मेहरबान रहने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ आप लोगों पर विशेष कृपा दृष्टि दर्शाने वाले हैं और आपके लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होंगी। कार्य क्षेत्र में आने वाले सारी के सारी रुकावटें दूर होंगी, जिनसे आपके जिंदगी में खुशी का माहौल बना रहेगा। व्यापार करने वालों को भरपूर तरक्की और उन्नति मिल सकती है।
हैं, व्यापार व्यवसाय में खूब सारा धन लाभ मिल सकता है और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपको मोटा लाभ मिल सकता है। बस सही जगह निवेश करने की अवश्य कोशिश करें। विद्यार्थियों को भी उनकी प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। पारिवारिक स्तर में आपको खुशियां मिल सकती हैं। पिता का पूर्ण सहयोग भी आपको मिल सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। इस अवधि में माता पिता दोनों की सेहत उत्तम रहेंगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिल सकता है। बेरोजगारी दूर करने के सभी प्रयास सफल हो सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है। धन प्राप्ति के प्रबल योग भी आपका बन सकते हैं। आपके लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में अप्रत्याशित परिणाम मिल सकता है, जिनके कारण आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन के तमाम दुख तकलीफों से भी छुटकारा पा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खास तौर पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके कोई नई योजना बना सकते हैं। आपका सोचा व कार्य भी पूरे होंगे। छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपका काफी सुधार हो सकता है। आप अपने सोच और अपने सपनों को प्रेमी के साथ साझा कर सकते हैं। किस्मत भी आपका साथ देंगी। आप जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पुराने कर्ज को चुकाने में आपको सफलता हासिल होगी। किसी के बेकाबू में आकर कोई भी फैसला न करें। आपके कुंडली में धन लाभ मिल सकता है। आपको हर जगह भाग्य का साथ मिल सकता है। आपका पार्टनर भी आपसे खुश रहेगा। घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं। नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। जो काम आपके कई वर्षों से अटके हुए थे वो पूर्ण हो सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बदलाव हो सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो जल्दी ही आपको नौकरी मिल सकती है। आप अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके धन कमा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नतीजा मिल सकता है। घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और धार्मिक क्रियाकलापों को करने के मौके मिल सकते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि मिल सकती है और आपके जीवन के तमाम दुख तकलीफों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। यह समय आपके भाग्य का साथ आपको परस्पर प्राप्त होंगी तथा आपके जीवन में आपने जो भी कार्य को सोचा हुआ है वो भी पूरा कर सकते हैं। छात्रों को भी अपने शिक्षकों से बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होंगी। छात्र भी अच्छा प्रदर्शन करके जीवन में लाभ की प्राप्ति करने के मौके भी प्राप्त कर सकते हैं, सुकून की प्राप्ति करवा सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी की और अपार सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। प्रेमी से बातचीत करना भी आपके शुभ अवसरों की वृद्धि करवा सकता है। बहुत से लोगों को उनका खोया हुआ प्यार मिल सकता है। दैनिक व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। परिवार तथा कार्य क्षेत्र में आने वाली रुकावटें खत्म होंगी। नवीन कार्यों की योजनाएं बनाई जा सकते हैं। धन लाभ के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको अपने दैनिक जीवन में नई खुशियां मिल सकती हैं। परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है। कुछ अटके हुए कार्य को पूर्ण करने से लाभ की अधिकता रह सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपको जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करते हुए नई मिसाल को कायम करने के मौके मिल सकते हैं। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के मामले में लाभ मिल सकता है। आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। प्यार और पैसे में भी आपको तरक्की मिल सकती है। परिवार में ढेरों खुशियां और सुख समृद्धि का निवास होंगे। परिवार में आपको सुख शांति का माहौल रह सकता है। आप अपने करियर में